मिश्रा परिवार में भगवान का दिया सब कुछ था। रहने को अच्छा सा घर था, खाने को स्वादिष्ट खाना, मगर फिर भी कुछ था जिसकी वजह से सारा घर परेशान रहता था, और वो आफत थी मिश्रा परिवार की आलसी बहू आरती, जिसे सिर्फ दो ही काम आते थे, पहला सोना और दूसरा टीवी देखना। एक बार जो टीवी के सामने बैठ जाती तो फिर चाहे भूकंप आ जाए या सुनामी, वो हटने का नाम नहीं लेती थी। अरे बेटा आरती, जरा पूजा की थाली देना। सास के कहने पर भी आरती के कानों पर जूं तक ना रेंगती थी। तेरे कान में मैल जम गया है, सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा। इस वक्त टीवी पर मेरा पसंदीदा सीरियल आ रहा है, मैं नहीं उठ सकती। हे भगवान, ये तुमने कैसी बहू दी है। सास को तो छोड़ो, भगवान के नाम पर भी नहीं उठती है। राम जाने इस मनहूस टीवी में ऐसा क्या है। अरे बहू सुनती हो, मेरे दवाई का टाइम हो गया है, मेरे लिए नाश्ता बना देना। एक बार फिर आरती के कान पर जून नहीं रेंगती है। अरे बहू, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या। ऐसी स्थिति देखकर रामू को गुस्सा आ जाता है। अरे बहू तुम क्या चाहती हो, कि मैं दवा भी ना खाऊं और भूखा ही मर जाऊं। एक दिन नाश्ता नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, क्लाइमेक्स चल रहा है, शांति से सीरियल देखने दीजिए। तो बस इसी वजह से पूरा मिश्रा परिवार अपनी इस बहू से परेशान रहता था। शाम को जब आरती का पति धीरज घर आता है, तब आरती के सास ससुर अपने बेटे से आरती की शिकायत करते हैं। बेटा हम तो बहू को समझा समझा कर थक गए हैं, मगर वो हमारी बात नहीं सुनती है और घर का एक भी काम नहीं करती है, बस सारा दिन टीवी देखती रहती है और बाकी समय में सोती रहती है, घर के एक काम में भी हाथ बटाना नहीं चाहती है, ऐसा कैसे और कब तक चलेगा। बिल्कुल सच कहा आपने, दिन ब दिन उसका रवैया बिगड़ता ही जा रहा है, जल्द ही इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। आरती के पति धीरज ने पहले भी आरती को कई बार समझाने की कोशिश की थी, मगर आरती के अंदर रत्ती भर भी कोई बदलाव नहीं आया था। एक बार फिर धीरज उसे समझाने की कोशिश करता है। उस समय आरती टीवी देख रही थी, धीरज उसके पास आया और बोला, आरती इंसान का सबसे पहला धर्म उसका कर्म होता है, जो काम से समझौता करता है और उसे करने में आलस करता है, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता और उसे कभी न कभी पछताना पड़ता है। आरती मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं। सुनाई तो दे रहा है, मगर आपकी बात नहीं, बसंती के डायलॉग। बसंती, कौन बसंती। अरे इस नाटक की हीरोइन। धीरज ने मन में खुद से कहा कि आरती को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अब तो इसकी नैया राम भरोसे ही है, वही इसे किसी दिन सब सिखाएंगे, वैसे समय से बड़ा गुरु कोई और नहीं। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, उसकी लाठी सब पर चलती है। इसलिए एक रोज कुछ यूं हुआ कि आरती ने घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। अरे बाबा 8 बज गए, जल्दी से जाकर टीवी चालू करती हूँ, नहीं तो मेरा पसंदीदा सीरियल छूट जाएगा। इतना कहकर आरती तेजी से कमरे से बाहर निकलती हुई टीवी की तरफ जाने लगी, मगर सीरियल देखने की चाहत में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि फर्श पर पानी गिरा हुआ था। उसने जैसे ही बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया कि उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। हे राम, माता जी मैं गिर गई, बहुत जोर की चोट लगी है। आरती ने देखा कि उसके सामने सभी लोग बैठे हुए हैं, पर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसने अपने पति धीरज से कहा, ए जी आप वहाँ बैठे बैठे टीवी क्या देख रहे हैं? इधर आइए और मुझे उठाइए। धीरज टीवी देखने में व्यस्त रहता है और कोई जवाब नहीं देता है। आरती दर्द से कराहते हुए बोली, आपको सुनाई दे रहा है मैंने क्या कहा। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, और तो और दिखाई भी दे रहा है, पर इस वक्त मैं मैच देख रहा हूँ और मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है।
धीरज की ये बात सुन आरती चौंक जाती है। आरती ने फिर अपनी सास की ओर देखा। उसकी सास हाथों में माला लिए जप रही थी। माँ जी प्लीज यहाँ आकर मेरी मदद कीजिए। धीरज की तरह रेखा ने भी आरती को देखा और कहा, तुझे दिख नहीं रहा बहू, मैं माला जप रही हूँ, शांति से मुझे माला जपने दो। आरती समझ गई कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने अपने ससुर की ओर देखा। कम से कम आप तो आकर मेरी मदद कीजिए, बहुत दर्द कर रहा है। अरे बहू, मेरी दवाई का टाइम हो गया है, इसीलिए मुझे खाना बनाना है। अब खाना तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा ना, इस घर में कोई और तो है नहीं जो मेरी दवाई का देख रेख कर सके, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आ सकता। आरती समझ गई कि सब लोग उसे उसके किए का फल दे रहे हैं। वो सबसे माफ़ी मांगते हुए बोली, मैं समझ गई कि आप सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझसे गलती हो गई जो मैंने पहले आप लोगों की बात नहीं सुनी। मैं आज से टीवी और सोने को काम से पहले नहीं रखूंगी, सबका कहा मानूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और आकर मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही सब लोग आरती के पास आ गए। उन्होंने आरती को उठाया और उसे लेकर बिस्तर तक चले गए। आरती का पति धीरज आरती से बोला, चलो भगवान का शुक्र है कि आखिर इस चोट की वजह से तुम्हें अपनी गलती का तो एहसास हुआ। मैं समझ गई कि जो अपने काम के साथ समझौता करता है उसे बाद में चलकर बहुत पछताना पड़ता है, जैसे मैं पछताई हूँ। आरती की ये बात सुनते ही सब लोग हंसने लगे और घर में खुशहाली आ गई। तो देखा आपने, अगर आप दूसरों की मदद के लिए सही समय पर खड़े नहीं रहेंगे तो जरूरत पड़ने पर कोई आपकी भी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। ये थी आलसी बहू की प्यारी सी कहानी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। सोहम बहुत ही आलसी था, पूरा दिन घर में सोया रहता, ना कोई काम धंधा करता और ना ही अपने पिताजी के काम में हाथ बटाता था। उसके घर वाले बहुत परेशान थे उसकी इन आदतों से। सोहम बेटा, पास वाली दुकान से थोड़ा दही ले आना। मुझे सोने दो, रात के 3 बजे सोया हूँ। तभी सोहम के पिताजी आ जाते हैं, उसे सोता देख गुस्सा करने लगते हैं। कुछ काम धंधा क्यों नहीं ढूंढता तू, मेरे सीने पे एक बोझ की तरह बैठे रहता है। ऐसा मत बोलिए, कर लेगा कुछ ना कुछ। अरे 25 साल का घोड़ा हो गया है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। पिताजी की बातें सुनकर सोहम गुस्से में उठकर बैठ जाता है। आप इतने साल से काम कर रहे हैं, क्या अच्छा किया हमारे लिए? क्या अच्छा किया, 25 साल से तुझे बिठा के खिला रहा हूँ, कोई काम धंधा ढूंढ और वहाँ हाथ चला, यहाँ जुबान मत चला। रोहित सोहम का दोस्त है, हर दिन रोहित सोहम को लेने उसके घर आता है और फिर दोनों यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। अरे सोहम, सोहम आजा, बाहर घूम के आते हैं। हाँ आया। अरे सोहम, तुझे कितनी बार बोलूं, रोहित के साथ मत रहा कर, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, पूरी जिंदगी उसका बाप उसे बिठाकर खिला सकता है पर तेरा बाप नहीं खिला सकता है। पापा हर दिन एक ही बात सुन सुन के मैं पक गया हूँ, रोहित मेरा सच्चा दोस्त है। आपसे मैंने मोबाइल मांगा था, आपने दिया नहीं ना? अच्छा तो इसीलिए उसकी तरह बन रहा है तू, रात में लेट सोता है और दिन में लेट उठता है। मुझे आपका भाषण नहीं सुनना है, मैं जा रहा हूँ। सोहम आलसी के साथ साथ बदतमीज भी था, हर दिन वो अपने माता पिता से बहस करता। अरे भाई जल्दी आ, बाजार का एक राउंड मार के आते हैं। हाँ हाँ चल। रोहित क्रिकेट पर बेटिंग करता था, मैच पे पैसे लगाया करता था। वो अपनी बाइक बेटिंग शॉप के पास रोकता है। अरे यहाँ क्यों रोका? तू यहीं रोक, मैं आता हूँ। रोहित मैच पर बेट लगाकर वापस आ जाता है। यहाँ मैच की टिकट मिलती है क्या? अरे पागल, यहाँ मैच पे बेटिंग होती है और उससे लोग लाखों कमाते हैं। लाखों? पर कैसे? बाइक पे बैठ, रास्ते में सब समझाता हूँ। मैच बेटिंग के बारे में रोहित ने सोहम को समझाया। देख भाई, जितने भी अमीर लोग हैं वो सब बेटिंग करते हैं और हर दिन लाखों रुपए कमाते हैं। क्या लाखों? वो भी बस एक दिन में? अरे लाखों क्या, कभी तो करोड़ों भी कमा लेते हैं, तू भी करेगा क्या? अगले ही दिन रोहित ने सोहम को नया फोन दिखाया। ये देख, बेटिंग वाले पैसे से न्यू फोन लिया है। फोन देखते ही सोहम के मन में लालच आ जाता है। मुझे भी बेटिंग लगानी है, ये ले 10,000, पापा ने बैंक में जमा करने दिए थे। ये बात हुई ना मेरे चीते, अगर जीत गया तो 20,000 हो जाएंगे, फिर 10,000 से पार्टी करेंगे। रोहित ने सोहम के 10,000 रुपए इंडिया पाकिस्तान के मैच पर लगा दिए। देख भाई, इंडिया ही जीतेगी और 10 के 20,000 हो जाएंगे। इंडिया मैच जीत गई।
सोहम बहुत खुश था। उसने तो सोच भी लिया था कि वो अपनी माँ को साड़ी और पापा को घड़ी देगा। अरे वाह भाई, मजा आ गया, इंडिया जीत गई। चल पैसे लेने चलते हैं। अरे भाई एक प्रॉब्लम हो गई है, जो मैच पे बेटिंग लगाता था ना उसे पुलिस पकड़ के ले गई। तेरे 10,000 रुपए डूब गए और भाई मेरे तो 30,000 रुपए डूब गए। क्या? लेकिन मैं पापा को क्या बोलूँगा? अरे भाई सच मत बोलना, बोलना पैसे रास्ते में गिर गए। सोहम के पापा उसका घर पर इंतजार कर रहे थे। सोहम घर आया। सोहम तुझे 10,000 रुपए दिए थे बैंक में डालने के लिए, अभी तक बैंक से मैसेज नहीं आया। पापा वो पैसे रास्ते में गिर गए। पापा मुझे मारना मत, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, गलती से हुआ ना, जाने दे। अपने पापा को दुखी देख सोहम से रहा नहीं गया। पापा सच ये है कि मैंने पैसे बेटिंग पे लगाए थे, मैं जीत गया था, पर बेटिंग वाले को पुलिस पकड़ कर ले गई, मैंने आपके सारे पैसे डुबा दिए। पापा अब से मैं बेटिंग नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। चल मेरे साथ। सोहम के पापा उसे मैच बेटिंग के शॉप में ले जाते हैं। यही है ना वो दुकान? हाँ, पर इसे तो पुलिस ने पकड़ लिया था, पर ये शॉप खुली कैसे? सोहम और उसके पापा शॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ रोहित सोहम के जीते हुए पैसे ले रहा होता है। पर ये पैसे तो सोहम के हैं ना? हाँ हाँ, उसी ने तो मुझे भेजा है पैसे लेने के लिए, जल्दी पैसे निकाल। रोहित की चलाकी सोहम को पता चल गई। सोहम को वहाँ पर देख रोहित हक्का बक्का हो जाता है। सोहम तू दे मेरे पैसे, लूट रहा है तू, इतना बड़ा झूठा निकलेगा, मुझे नहीं पता था, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। आई एम सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे खुशी है कि तुझे सच पता चल गया। सोहम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है, इसीलिए अगले दिन से सोहम काम पर जाना शुरू कर देता है, अपने पापा का काम में हाथ बटाने लगता है। ये देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। वैसे तो बेटिंग करना गलत चीज है, पर इस बात ने सोहम की आंखें खोल दी।